भाई का लिखा कभी नहीं मिटता। राजकुमारी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी नहीं तो राजा ने पूछा कि राजकुमारी कहाँ चली गई। सेनापति आया और कहने लगा कि राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर गई है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सिपाहियों को राजकुमारी को वापस लाने के लिए भेजा। राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मगन हो चुकी थी, उन्हें यह भी नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एक साधु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया और साधु महाराज जी को तीर लग गया। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास गई और उन्होंने देखा कि साधु जी के तीर लग गया है, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। साधु महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती की लेकिन साधु महाराज जी उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी ने अपने मंत्रों को राजकुमारी पर जल से जैसे ही फेंका तो राजकुमारी गिलहरी के रूप में आ गई। राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी और साधु महाराज जी मरने को तैयार ही थे। तभी वहाँ पर सेनापति आ गए। सेनापति ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ़ कर दीजिए। सेनापति ने कहा कि राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ, तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको जाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वह वैसे ही जैसे रूप में आ जाएगी और उसके साथ साथ महाराज जी यह कहकर दुनिया से चले गए। सेनापति भागते हुए राजा के पास गए, पूरी बात राजा को बताइए। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगे कि भाई का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। और वह उस पहाड़ी पर अपने सैनिकों को भेजा जिससे उस फूल को प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी सैनिक वहाँ से वापस नहीं आया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी आदमी हैं वह फूल को लाने के लिए भेजता था, कोई वापस नहीं आ रहा था। राजा को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि वहाँ से कोई भी आदमी वापस नहीं आ रहा है। इस तरह तो कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं तो आप मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दे दोगे। राजा ने कहा कि अगर तुम यह काम करते हो तो मैं तुम्हें भी सेनापति बना दूंगा। आदमी बहुत गरीब था और अपनी समस्या से गुजर रहा था। वह जंगल में गया, उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। उसके बाद वह फूल लेकर वापस आ गया और राजकुमारी को खिला दिया जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने उसे अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसीलिए इंसान को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। राजा को यह बात पता थी, इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम करने चाहिए। हमारी ईमानदारी एक दिन हमें कामयाबी तक पहुंचा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।